सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण दिल्ली में कारोबारियों से इलाके में काम करने की एवज में करोड़ों की रंगदारी मांगना, डराना धमकाना व जान से मारने की धमकी व रंगदारी न देने पर कातिलाना हमला करने वाले सफेदपोश गुंडों का एक गैंग सक्रिय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सफेदपोश गुंडों के इस गैंग में कोई आम आदमी नहीं बल्कि करोड़पति सफेदपोश नेता व उसके सगे संबंधी है, लेकिन करोड़ों रुपया पास होने के बावजूद इस गैंग में शामिल सभी गुंडे पैसों के इतने भूखे हैं कि इलाके में कुत्ते की तरह मुंह मारते फिर रहे हैं। हाल ही में इस गैंग में शामिल दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी, भांजा लवेश तंवर, विजयंत बिधूड़ी उर्फ चुटकी, प्रदीप लोहिया व तपिश बिधूड़ी आदि के खिलाफ एक कारोबारी से इलाके में काम करने की एवज में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी, जबरदस्ती ऑफिस में घुसना, जानबूझकर चोट पहुंचाना जैसी गंभीर धाराओं में थाना पुल प्रहलादपुर में दिनांक 23 फरवरी 2022 को FIR संख्या 126 धारा 384, 452, 147, 149, 323, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि वारदात 14 फरवरी की थी, लेकिन गैंग में शामिल दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी व भांजा लवेश तंवर का नाम आने से स्थानीय थाना पुलिस लीपापोती कर रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचते ही लीपापोती करने वाले पुल प्रहलादपुर थाना प्रभारी रामनिवास भाटी नब गए। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी द्वारा इलाके में कारोबारियों से रंगदारी मांगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इस गैंग के खिलाफ दिनांक 21 फरवरी को थाना वसंत कुंज नॉर्थ में FIR संख्या 121 धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323 व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टाफ भी भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी का नाम आने से लीपापोती करने लगा। यहां भी वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचने पर थाना DCP साउथ वेस्ट गौरव शर्मा नब गए। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी का नाम 2-2 FIR में आने के बावजूद अभी तक कार्यवाही के नाम पर लीपापोती देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है दिल्ली में कानून राज नहीं जंगल राज चल रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं पीड़ित संजय शर्मा से। आप खुद उनसे सुनिए कि सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी व अन्य रिश्तेदारों ने इलाके में अवैध उगाही के नाम पर कितना आंतक मचा रखा है। मेरा नाम संदीप शर्मा है, सनोप श्री बलबीर शर्मा। मैं गांव फतेहपुर बेरी दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमने साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक काम जो कि इंजीनियरिंग सैनिटरी लैंडफिल साइट गाँव तेखंड ओखला में बन रही है, उसका टेंडर सेप्टेम्बर के आसपास इन्होंने खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके मुंबई की कंपनी को अवार्ड किया था, जिनसे हमने मिट्टी और पत्थर खुदाई का काम ले लिया। इसी काम को लेकर दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी के बेटे हिमांशु बिधूड़ी, चुटकी बिधूड़ी जिनका नाम विजयंत विवेक बिधूड़ी है, लवीश तंवर, प्रदीप लोहिया, तपिश बिधूड़ी, इन सब के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा था और बार बार 1 करोड़ रुपए की रंगदारी या जिसे आप फिरौती भी कह सकते हैं उसके लिए मुझे परेशान किया जा रहा था। और जैसे ही मैंने इतना पैसा देने में असमर्थता जताई तो इन लोगों ने हमारी साइट पे आकर हमारे ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें इन्होंने मेरे ट्रक ड्राइवर सिप्तेन राजा, मेरे मशीन के ऑपरेटर मिथिलेश वर्मा और ये लोग मुझे भी मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन मैंने इनसे हाथ जोड़कर मानवता के तौर पर विनती की और किसी तरह अपनी जान बचाई। जैसा कि इन्होंने बोला कि विजयंत बिधूड़ी चुटकी का ऑर्डर है कि तुरंत प्रभाव से अभी जाकर काम बंद करा के आओ, इन्होंने मुझे बताया। मैंने उसी समय हालात को देखते हुए ताकि किसी को कोई चोट ना पहुँचे, किसी को कोई नुकसान ना आए या किसी को कोई गंभीर हालत ना हो जाए, मैंने तुरंत प्रभाव से डर कर अपना काम बंद करा दिया। मैंने तभी मौके से श्री रमेश बिधूड़ी सांसद दक्षिणी दिल्ली को फ़ोन मिलाया कि लवीश तंवर और इसके साथ 20-25 लड़के और हैं और हमारी साइड पर आकर जबरन काम बंद करवा रहे हैं। लेकिन श्री रमेश बिधूड़ी जी ने ये कहा कि तुम्हारी इनसे कोई कमिटमेंट, कोई एग्रीमेंट या पैसों को लेकर कोई बात हुई होगी, तभी ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि ये मुझसे हर गाड़ी पर पैसा मांग रहे हैं, मैं देने के लिए मना कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। हर गाड़ी पे ये मुझसे 1,000 रुपये चक्कर मांग रहे थे और 1 करोड़ रुपए की डिमांड मेरे से बार बार की जा रही थी। कई बार इन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया था तुगलकाबाद में, जो दक्षिणी दिल्ली सांसद का घर है, कम से कम 15 बार इन्होंने मुझे वहाँ बुला के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बिठाए रखा और मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाते रहे
कि पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा अगर हमारे इलाके में हमारे क्षेत्र में काम करना है। हर कोई पैसा देता है, यहाँ कितनी साइट चल रही है सभी से जाके पूछ कि इनकी कौन मदद करता है, कौन इनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देता है, और सभी पैसा देते हैं, तुझे भी देना पड़ेगा, ये बॉस का आदेश है। ये इन्होंने मुझे बताया था कि दक्षिणी दिल्ली में ओखला में एक गोदरेज की कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ये लोग वहाँ से भी पैसा लेते हैं। नेहरू प्लेस में एक DDA की मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, ये लोग वहाँ से भी पैसा लेते हैं। और दिल्ली जल बोर्ड का ओखला टैंक, जिसे बोलते हैं स्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी का वहाँ काम चल रहा है, ये लोग छुपा छुप वहाँ से भी पैसा लेते हैं। दक्षिणी दिल्ली में ऐसा कोई काम, कोई कंस्ट्रक्शन साइट या कोई व्यापारी नहीं है जो इनके द्वारा परेशान नहीं किया जा रहा हो या जिससे ये जबरन पैसा नहीं ले रहे हों। पूरी जनता इनसे त्रस्त है, परेशान है, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। जो पैसा देता है ठीक है, जो नहीं देता है उसके ऊपर गोलीबारी की जाती है, उसके ऊपर हमले किए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी, घर में घुस के मारने तक की धमकी। आप सोच सकते हो कि पुलिस इनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे केस में आज तक एक भी अपराधी को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है, और उल्टा हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस में सहयोग मत करो, जांच में सहयोग मत करो, ये FIR क्रैश हो जाएगी, तुम्हें ज़िंदगी भर यहीं दक्षिणी दिल्ली में रहना है, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये तुम्हारा किसी भी तरीके का नुकसान कर सकते हैं, तुम्हें कहीं भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन अब हम लोग किसी भी तरीके से इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि सभी को पता है या तो बीमारी मारेगी, या गुंडे बदमाश मारेंगे, या ये नेता मारेंगे, या इनके दबाव में अब दिल्ली पुलिस हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। इन लोगों ने दिनांक 14 फरवरी 2022 को शाम को करीब 5:30 बजे मेरी साइट ओखला तेखंड पर आकर, आते ही मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, और ये लोग मुझे भी मारने के लिए दौड़े, जिसमें से मैं 3 से 4 लोगों को पहचानता हूँ, जिसमें मैन लविश तंवर गांव चांदनहुला, प्रदीप लोहिया गांव घिटोरनी, तपिस बिदूड़ी जो कि शायद तुकलकाबाद का रहने वाला है, और 15 से 20 लोग और थे। और ये लोग एक रेंज रोवर कार जो कि UP 14 रजिस्ट्रेशन की थी, एक टोयोटा ETOS कार जो कि लविश तंवर की है, बाकी 5 से 6 स्कूटी और बाइक थी, और इन्होंने आते ही हमारे स्टाफ को मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे आते ही यही कहा कि चुटकी बिदूड़ी का ऑर्डर है कि काम को तुरंत अभी इसी प्रभाव से बंद कर दिया जाए, अगर शांति चाहते हो तो। मैंने डर कर अपना काम तुरंत बंद करा दिया, और वहाँ से मैं सीधा पुलिस वाले से बात करके थाने पहुँचा तो SHO रामनिवास भाटी ने श्री रमेश बिदूड़ी के ही अन्य भांजे राजपाल पोसवाल को थाने में बुलाकर मामले को दबाने की कोशिश की, और मेरी FIR भी दर्ज नहीं की, और जबरन मेरे से ये लिखवा लिया कि हमारे लेबर को, आदमियों को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है, MLC कराने की ज़रूरत नहीं है, और हम किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। और रमेश बिदूड़ी के भांजे राजपाल पोसवाल को अपने कक्ष में बिठाकर मिठाई खिलाई जाती है, चाय पिलाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, और तमाम तरीके की बात उसके साथ की जाती है। और जब मैंने कारण पूछा तो राजपाल पोसवाल का भी यही कहना है कि चुटकी बिदूड़ी का कहना है कि तुम उसे माल नहीं दे रहे थे, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने बोला कि वो इतना ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, मैं इतना दे नहीं पाऊँगा। मैंने पैसा ना कहते हुए असमर्थता जताई कि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो तुम चुटकी से या हिमांशु बिदूड़ी से जाके मिल लो। अगले दिन 15 फरवरी 2022 को हिमांशु बिदूड़ी को मेरे अंकल श्री सुभाष शर्मा जी ने कॉल किया, तो उसने कहा कि यहाँ हाई कोर्ट में आके गेट नंबर 7 पे आके मुझे फ़ोन करना, और उनके फ़ोन पे लोकेशन भी भेजी, उन्हें बुलाया। जैसे ही मेरे अंकल श्री सुभाष शर्मा हाई कोर्ट पहुँचे तो हिमांशु बिदूड़ी ने आते ही उनके साथ गाली गलौज करनी शुरू करी, और बहुत ही अभद्र भाषा में ये कहते हुए उनको धमकाया कि संदीप से कहो अभी लविश से जाके मिलेगा, और अगर पैसा दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ये सब कुछ मेरे ही सारे पे हो रहा है,
तुम्हें घर में घुसकर मारूंगा और मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। मेरे अंकल श्री सुभाष शर्मा ने मुझे वहां से निकल के फ़ोन किया कि हिमांशु बिदूड़ी का ये कहना है कि तुम अभी जाके लविस तंवर से मिलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने अंकल से मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव सभी जानते हैं, वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं और जाते ही मेरा क्या हाल करते। इसी क्रम में इन्होंने घटना को वसंत कुंज में भी अंजाम दिया है। के बिरला करके एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि हीरो ग्रुप की है, जिसके ओनर श्री सुनील कांत मुंजाल जी है। इन्होंने ऐसे ही एक्सटॉर्शन मनी को लेके वहां जाके उनके स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके सिर फोड़े, उनको हथौड़ों से मारा और उनके ऊपर 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की, जो मुकदमा वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज है। लेकिन उसके ऊपर भी सेम यही हुआ जो हमारे केस में हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हमारे केस में भी सेम यही हो रहा है, केस को दबाया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 14 तारीख को ये घटना घटी थी, लेकिन 14 तारीख से लेके और 23 तारीख को FIR दर्ज हुई है, वो भी तब हुई है जब दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों तक सूचना पहुंची है और उनका हस्तक्षेप बढ़ा है। और उसके बाद भी ACP अजय कुमार ने उगेश कुमार नामक इंस्पेक्टर को 23/2/2022 को मेरे घर रात को 10:30 बजे भेजा और वो मेरे से ये लिखवा के लेके गया कि आप इसमें से हमारे इंस्पेक्टर रामनिवास भाटी जो कि SHO पुल पहलादपुर है उनका नाम निकाल दीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन अपने जांच की दिशा बदलनी पड़ेगी और ये आपके लिए कष्टदायक होगा। मैंने उनकी बात को सोचते समझते हुए इस मामले से उनको एक शिकायत दूसरी लिख के दे दी कि इसमें से सभी आरोपितों का भी नाम हटा दिया, क्योंकि उन्होंने ACP अजय कुमार के माध्यम से मेरे ऊपर दबाव बनाया। मैंने इसमें से SHO रामनिवास भाटी का नाम भी हटा दिया, जो उन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया वो भी हटा दिया और आरोपितों के नाम भी हटा दिए। लेकिन मैंने उनसे जब अपनी पुरानी कंप्लेंट मांगी तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये कंप्लेंट DCP ऑफिस में डायरी हो गई है, एक बार मैं DCP मैडम श्रीमती ईशा पांडे जी को दिखा के और सुबह आपको वापस कर दूंगा। लेकिन जब मैंने उनको सुबह फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि वो कंप्लेंट जो आपने लिख के दी थी वो तो मैं आपके घर पे ही छोड़ के आ गया। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दिल्ली पुलिस के SHO लेवल के ACP लेवल के कर्मचारी मतलब अधिकारी इस तरीके के काम कर रहे हैं। और अभी जब उन्होंने एक्यूज्ड की बेल लगाई तो मेरी वो एप्लीकेशन एक्यूज्ड की तरफ से आरोपितों की तरफ से साकेत कोर्ट में दाखिल की गई कि ऐसे ऐसे संदीप शर्मा नहीं चाहता कि कोई कार्रवाई हो और इसमें आरोपितों के नाम भी नहीं है। और ये बताते हैं पुलिस वाले कि उसी के बिहाफ पे बिना किसी को अरेस्ट किए, बिना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई किए, लविस तंवर, प्रदीप लोहिया और तपिस बिदूड़ी को जमानत भी दे दी गई। बाकी जिनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था, हिमांशु बिदूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली सांसद के पुत्र है, विजयंत बिदूड़ी जिनको चुटकी बोलते हैं, जो उनके भतीजे हैं, उनके बड़े या छोटे भाई के बेटे हैं, राजपाल कोसवाल जो कि पुल पहलादपुर से निगम पार्षद है और उनके भांजे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी जो 15-20 लोग थे नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। और ACP अजय कुमार बदरपुर के द्वारा हमें डराया व धमकाया जा रहा है कि तुम इस केस में कुछ इस तरीके से सहयोग करो कि ये FIR क्रैश हो जाए, नहीं तो तुम्हें ठेकेदारी करना सिखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तुम्हें अंदर डाल देंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो तुम सोच सकते हो। हमें तो ऊपर से एक फ़ोन आएगा और हम इस सारी जांच को यहीं रफा दफा कर देंगे और तुम किसी का कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम इतने डरे हुए हैं कि हम अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। कई बार मैंने विजयंत बिदूड़ी चुटकी के मुँह से भी और मेरे अंकल को हिमांशु बिदूड़ी ने भी हाईकोर्ट में बोला था, कोई छोटा आबिद नाम का इनके पास क्रिमिनल है जो कि अभी जेल से छूट के आया है, शायद मर्डर केस में ही बंद था, ये बार बार उसके नाम की धमकी देते हैं कि इनके लिए तो छोटा आबिद ही काफ़ी रहेगा, एक बार चाकू इनके अंदर डालेगा और पूरा खींच के बाहर निकाल देगा। मतलब इस तरीके से ये लोगों को धमकी देते हैं, लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं, मानसिक तौर पर कमज़ोर करते हैं ताकि लोग इनको रंगदारी दे, इनसे डरे और इनका घर बार पैसे से भरा रहे। मुझे अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि शायद वहाँ से हमें न्याय मिल जाए। और मेरी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी से विनती, गुजारिश या निवेदन कुछ भी समझ लीजिए,
मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जांच को DIU साउथ ईस्ट दिल्ली से निकालकर या तो CBI को केस सौंपा जाए या फिर विजिलेंस के किसी बहुत अच्छे अधिकारी से मेरे केस की जांच करवाई जाए, क्योंकि मेरे केस में और वसंत कुंज वाले केस में, दोनों केसों में BJP MP साउथ दिल्ली श्री रमेश भिदुड़ी जी के बेटे, भतीजे व भांजों का डायरेक्ट रोल है। और दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों को आपने जांच दे रखी है, जो मेरी जांच कर रहे हैं, मेरे केस की जांच कर रहे हैं, वही उल्टा हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इस FIR में सहयोग मत कीजिए, इसको क्रैश करा दीजिए, आप हाजिर मत होइए, आपका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, जिनके ऊपर सभी को बहुत भरोसा है कि वो इसमें कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो मेरी उनसे फिर एक बार गुजारिश है कि मेरे केस को और वसंत कुंज वाले केस को, दोनों को CBI को ट्रांसफ़र किया जाए या विजिलेंस को ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और आम जन का विश्वास न्यायपालिका और दिल्ली पुलिस पर बना रहे। नहीं तो आम जनता को इस तरीके के नेता लोग या ऐसे अधिकारी जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं या जांच को ख़त्म करने के इरादे से गलत दिशा में मोड़ दिया है, ना ही तो ये जनता को न्याय दिला पाएंगे। और हमारे जैसे लोग अगर ऐसा उत्पीड़न सहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, ये लोग हमें मार देंगे। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश, हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।